पुलिस हाय हाय, रजौरी पुलिस हाय हाय, रजौरी एसएचओ हाय हाय, रजौरी एसएचओ हाय हाय, एसएसपी रजौरी हाय हाय, सुजाता सुजाता, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, कत्लों को सजा दो, सजा दो, इंसाफ हमको, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, हार के हम क्या चाहते इंसाफ, हम क्या चाहते इंसाफ, इत्तेहार के कातिलों को सजा दो, इत्तेहार के कातिलों को इंसाफ, हम क्या चाहते इंसाफ, we want justice, we want justice, हम क्या चाहते इंसाफ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हम क्या चाहते इंसाफ, सजा दो, इत्तेहार के कातिलों को सजा दो, मुझे मत बता, मुझे ये बात बता, मैं एसएचओ मेंटर बात कर रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, मैंने एसडीपीओ सर को बता दिया, एसएसपी सर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी पुंछ के हैं उनको मैसेज कर दिया, उन्होंने मैसेज ऑलरेडी आपका ये कन्वे हो गया और ये कार्रवाई होगी थ्रू मीडिया भी चला गया, एक महीना और ये जो करने के लिए कोऑपरेट किया ना हमने, अब बहन जी आप आज हमारे पास आ जाए, तो जो जो आपके पास आज हमने स्लैब पड़ रहा था हमारा, तो उनको कॉल की नदीम खान ने कि तू जल्दी से जम्मू आ जा, जब वो जम्मू नहीं गए उनने बोला मेरा लेंटर पड़ रहा है मैं नहीं आ सकता हूँ, तो उनको उसने बोला कि नहीं तू अगर नहीं आएगा तो तू फिर वापस लाइन चला जा, जब वो लाइन गए तो वहाँ पे क्या हुआ हमें इसका कुछ पता नहीं है, बस इतना ही पता है कि वो बोल रहे थे कि जब भी मेरे साथ कुछ भी होगा तो वो नदीम खान का हाथ ही होगा जो कुछ मेरे साथ होगा, फिर उसके बाद हमारी वो जब हमने उनको बहुत ढूंढा, मतलब एक दो दिन हमने ढूंढा उनको, नहीं मिले वो, तो तीसरे दिन उनकी दूसरे तीसरे दिन वो वहाँ रजौरी से मिले, पूंछ लाइन में वो थे ऑन ड्यूटी, बंदा वहाँ से गायब हो जाता है, पुलिस वाले कुछ नहीं किया, पुलिस वालों ने हमें इंसाफ चाहिए बस, हमें उनके कातिल चाहिए, हमें कातिल दिखा दो, जो लड़का बुगड़ा था जो साथ साथ रहा उसको उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने उसको बिल्कुल पूछा तक नहीं, ना तो उसको पूछा जो वहाँ से जहाँ से उनकी डेड बॉडी मिली, उस मकान मालिक को तो कुछ पूछा नहीं, उन जनानियों को उन मर्दों को कुछ नहीं पूछा, पुलिस वाले क्या करते रहे, एक पुलिस वाला उनका जवान जो उनकी ऑन ड्यूटी से गायब, और ऊपर से उन्होंने उसके बारे में कुछ किया ही नहीं, हमें एक महीना, हमें 10 दिन 15 दिन ऐसे ही बताते रहे, आज एक महीना 3 दिन हो गए, कुछ नहीं हमें, हमें इंसाफ चाहिए बस, हमें कातिल दिखा दें वो भैया, मेरे जो भैया थे उनकी पुलिस लाइन में उधर मतलब पोस्टिंग हो गई थी, पहले वो नदीम खान के साथ थे, तो वहाँ से उनकी पोस्टिंग हो गई कहाँ पे पुलिस लाइन में, तो वहाँ से 3 दिन तक गायब रहे और उसके बाद हमें 10 तारीख को उनकी डेड बॉडी मिली, तो हमने एक महीना जो है 10 मार्च को हमें उनकी डेड बॉडी मिली थी, हमने पुलिस के साथ बहुत कोऑपरेट किया पर कुछ भी नहीं हुआ, आज हमने इसीलिए रोड ब्लॉक किया क्योंकि एक लड़का उनके साथ था जिसको 10-12 दिन तक इन्होंने रखा, कोई उसके ऊपर FIR नहीं लगाई, कुछ नहीं, उसको भी छोड़ दिया, हमारी डिमांड बस यही है कि एक तो घर वालों को अरेस्ट किया जाए जिनके घर से डेड बॉडी मिली है, और दूसरा वो लड़का उसको दोबारा से अरेस्ट और उसके मतलब उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि वो सब सच बताए। तो ये केस कहाँ गया,
बेसिकली वो राजौरी का थे, वो पूंछ। हम यही पूछना चाहते हैं कि वो राजौरी कैसे पहुंचे, जबकि उनकी ड्यूटी कहाँ थी? पूंछ में, पुलिस लाइन में। तो वो राजौरी कहाँ से पहुंच गए, ये बताओ आप। बस इतनी है। देखो हम बड़े पीसफुल लोग हैं, आज तक तकरीबन एक महीना गुजर चुका है। मेरे उस दामाद का जब कत्ल हुआ, पूंछ में ऑन ड्यूटी था लाइन में, 8 तारीख को गायब होता है वहां से और 10 तारीख को राजौरी से उसका शव मिलता है। जहां हम पहुंचे उसकी हालात देख के मैंने सोचा भाई ये क्या कंडीशन है, एक आदमी को वहां जाके मर्डर किया गया और फिर कुर्सी पर बैठा के उसको पंखे के साथ लटकाया गया। ये देखें आप, स्नैप पुलिस वाले बना के भेजते रहे, कोई इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। आप ये जरा देख लें, क्या इसमें उसने सुसाइड किया है? मारने के बाद उसको जाके किसी मकान में लटका दिया गया। और हमें इंसाफ चाहिए, और इंसाफ जो है वो जब तक नहीं मिलेगा, अब हमें समय आके प्रोटेस्ट करना है और हर जगह जहां तक भी पहुंचना होगा पहुंचेंगे। मैं डीजी साहब से भी, एडीजी साहब से भी, या डीएजी साहब से सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, हमें आज तक इसी विश्वास पर, ट्रस्ट पर हमने काम किया कि भाई हमारी पुलिस अपने जवान के लिए देखेगी, उसके लिए खोजेगी कौन आदमी है जो ऐसी बातें इसने कर दी, उसके साथ ऐसा हादसा कर दिया। इतार के कत्लों को ज़्यादा से ज़्यादा।